अब वो उसकी तैयारी अपनी जगह रहेगी और ये काम जो है इनका सांसद जी, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम जो कि अल्पसंख्यक मोर्चे का शुरू हो रहा है, शुक्रिया मोदी भाईजान, इसमें मुस्लिम महिलाओं को 1000 इकट्ठा किया जाएगा और उनकी स्कीम बताई जाएगी। आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगातार अल्पसंख्यकों को लुभाने की बात की जा रही है। क्या मानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा का मुसलमान साथ देगा, क्या मानते हैं इस बारे में? देखिए, ये जितनी भी चीज़ें जो सिर्फ लुभाने के लिए की जा रही हैं वो मुस्लिम लेडीज के मिशन के भी खिलाफ हैं। जो मिशन ये चलाया जा रहा है मोदी जी के नाम से, ठीक है, उन्हें इख्तियार है, वो अपनी मर्जी से जो चाहे सो करें, वो उनकी पार्टी है, लेकिन हम किसी के मोहताज नहीं हैं। हम अपनी लेडीज़ को बहरहाल हम तो यही समझाएंगे, उनसे ये कहेंगे कि भाई जो कुछ भी काम करना है मिल्लत के लिए करो, कौम की भलाई के लिए करो और मुल्क की भलाई के लिए करो, जो कुछ भी काम तुम्हें करना है, लेकिन किसी के कहने से गलत रास्ते पर मत जाना और गलत वोट का इस्तेमाल मत करना। वोट दुनिया में के कामों में सबसे कीमती चीज़ है। वोट से ही हर मुल्क के अंदर गवर्नमेंट बनती है और बगैर उसके कोई ताकत नहीं मिलती। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि वो अब ये मुस्लिम लेडीज़ ये अपने जहन से निकाल दें कि इतने ये प्रोपेगेंडा करने से हम तुम्हारे साथ ये करेंगे, ये कुछ नहीं करने के हैं। और जहाँ तक समाजवादी का ताल्लुक़ है, मैं फिर कहता हूँ कि समाजवादी मुलायम सिंह ने जो रास्ता और हमने सबने मिलकर तय किया था कि अवाम की भलाई के लिए, मुल्क की भलाई के लिए, लोगों को करीब लाने के लिए और उनके जो परेशानियां उनको दूर करने के लिए, वही रास्ते पर समाजवादी की जो लीडरशिप है वो उसको उस रास्ते को इख्तियार करना चाहिए और उसी रास्ते में समाजवादी की भलाई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी विकास यात्रा निकाल रही है, उनके अपने जितने भी कार्यक्रम को बना रहे हैं। अब ये नया 2 तारीख से शुरू करेंगे ये कार्यक्रम, ये महिलाओं को, मुस्लिम महिलाओं को जोड़ते हुए, तो क्या लोकसभा आने वाले 2024 को मद्देनजर मुसलमान पहुंचेगा? मुझे तो उम्मीद नहीं है मुसलमान पहुंचेगा। मुसलमान बहुत दुखी है इस वक्त देश के अंदर। मुसलमान के साथ जो जुल्म और ज़ाती और दुख और तकलीफ पहुँची है, तो बहरहाल ये मुसलमान का दिल ही जानता है। क्या हमारी मुस्लिम लेडीज़ इस बात को भूल गई हैं या भूल जाएंगी कि जो उनके साथ जुल्म और ज़ाती हुई है और उनके उनके शौहर मारे गए हैं, उनके नौजवान लड़के मारे गए हैं और हर किस्म का हर तरीक़े से उनको सताने की कोशिश की गई है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें ये तो बिल्कुल इस तरीके से सामने है जैसे कोई तस्वीर हमारे सामने रखी हुई हो। तो मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लेडीज़ भी अब पढ़ी लिखी हैं ज़्यादातर, तो इन हालात में वो भी समझती हैं कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी, लुभाने वाली पॉलिसी जो है वो उनके वोट नहीं ले पाएगी।